नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में वेदांता फोस्कॉन डील को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब इस डील के कारण इस बार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। अब शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गुजरात पाकिस्तान नहीं है वाली टिप्पणी को लेकर उन पर जोरदार हमला किया है। क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, शुक्रवार को फडणवीस ने कहा कि पड़ोसी राज्य कोई पाकिस्तान थोड़ी है। दरअसल वो गुजरात के बारे में बोल रहे थे कि पड़ोसी राज्य कोई पाकिस्तान थोड़ी है जो उसका विरोध करे। हम सब तो प्रतिस्पर्धा करेंगे और महाराष्ट्र में उससे भी बड़े प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था कि उनके कार्यकाल में डील में जो देरी हुई थी उनकी वजह से ही ये डील हाथ से निकल गई, उस समय ठीक से काम नहीं हो पाया। तो दोस्तों, वार पलटवार का दौर ये चल रहा है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ दिए। वहीं अब इस पर आदित्य ठाकरे ने जोरदार पलटवार किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि गुजरात पाकिस्तान नहीं है, लेकिन क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है जो ये प्रोजेक्ट गुजरात के नाम कर दिया? महाराष्ट्र के युवाओं ने क्या गलती की थी? आदित्य ठाकरे ने कहा कि डील छीनने का काम राजनीति के दबाव में हुआ है। और आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने ये पलटवार देवेंद्र फडणवीस की उस टिप्पणी पर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि गुजरात पाकिस्तान नहीं है, जो वहां पर प्रोजेक्ट लगाने पर आप शोर मचा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा था कि हम दोनों राज्य भाई भाई हैं, सभी राज्यों के बीच एक स्वच्छ प्रतियोगिता है, जल्द ही हम कर्नाटक और गुजरात से भी आगे निकलेंगे। उन्होंने कहा था कि गुजरात पाकिस्तान नहीं है, हमारा भाई है। महाराष्ट्र नंबर एक था, वो नंबर दो पर नहीं रह सकता। हालांकि दोस्तों, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।